गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? आई होप डूइंग वेल. कल आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था दैट्स गुड, बट कुछ बच्चों के अभी भी नंबर कम आए हैं. तो प्लीज़ वर्क हार्ड एंड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर अकाउंट्स. जितनी ज़्यादा आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा परफेक्ट होगा. नाउ वी क्या थोड़ा सा लोन अकाउंट में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन इलस्ट्रेशन नंबर 51 ऑफ DK गोयल. और जो बच्चे पुरानी बुक से कर रहे हैं दे कैन गो फॉर द इलस्ट्रेशन 54. ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म. ए रिटायर्स ऑन 1st April 2012. ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹80,000 इज ड्यू टू हिम इन ऑल. इट मीन्स हमें ना तो ओपनिंग कैपिटल बताई है ना हमें कोई एडजस्टमेंट्स बताई है. सिर्फ हमें ये बताया है कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी कैपिटल बनती है 80,000. इट इज़ एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर. ये एग्री किया गया, डिसीजन लिया गया है कि ये अमाउंट उसको इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर. प्रिपेयर एज लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस. टू केसेस आपको दिए हुए हैं. पहला केस है 4 equal yearly इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. मतलब आपने 80,000 को 4 equal इंस्टॉलमेंट्स पे पे करना है और साथ साथ में आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 10% आपने इंटरेस्ट भी पे करना है. बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर और आपका अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31st March. बेटा जो मैं इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस आपको मैं कराती हूँ वीडियोस में, ये आपने अपनी कॉपी में भी इनको करना है, ठीक है. नाउ तो सबसे पहले अगर आप देखें ए रिटायर्स एंड द अकाउंट्स आर क्लोजिंग ऑन 31st March एवरी ईयर. ए रिटायर्स ऑन 1st April. तो इट मीन्स 1st April को आप इसका 1st April को आप इसका बैलेंस यहाँ पर डालेंगे 1st April 2013. यू विल राइट हेयर बाय एज कैपिटल. आप एक ही कैपिटल से उसका लोन का बैलेंस लेकर आए हैं वो है 80,000. आप 80,000 को आपने 4 installments में पे करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट ईच कितने की हो जाएगी 20,000 की. क्लियर? अब आपने आपका अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2014 को जिसमें आप इंटरेस्ट देंगे ऑन 80,000. 80,000 पर आपका इंटरेस्ट बनता है एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज़ ₹8,000. इसका मतलब आप 31st March 2013 को आप पे करेंगे टू बैंक, एज लोन टू बैंक. जब हमने एक की कैपिटल से एज लोन में ट्रांसफ़र किया था तो उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन. और जब हम उसकी लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो एज लोन डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी 80 से अब 20,000 से कम हो गई है, तो एंट्री बनेगी एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो इसका मतलब 80 में से 20,000 आपका लोन आपने पे कर दिया तो बाकी लायबिलिटी बच जाएगी आपकी 60,000. 20,000 तो लोन की इंस्टॉलमेंट है और प्लस 8,000 आपका इंटरेस्ट है तो टोटल ये बनता है 28,000. तो अगर आप बैलेंस देखें टू बैलेंस कैरेड डाउन ऑन, आपने यहाँ पर भी डेट डालनी है. अगर आप देखें 80 में से 20 दे दिया तो अब आपका बैलेंस रह गया 60,000. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. आप ऐसे भी कर सकते हैं 88 माइनस 28, 60 इज़ द बैलेंस. अब इस बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर दीजिए. एक 1st April 2014 में आप ले आइए, दैट इज़ बाय बैलेंस. ये आपका स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2012. तो आप यहाँ 2012 लिखेंगे, इधर 2013 आएगा, ठीक है बच्चे? 2013. तो जब आप यहाँ अप्रैल में लेके आएंगे तो दिस इज़ 2013. 1st April 2013 करेक्ट कर लीजिएगा. आप यहाँ लाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000. अब आपका पूरा साल कब कंप्लीट होगा? 31st March 2014, दैट आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट. अब आप इंटरेस्ट निकालेंगे 60 पे क्योंकि 60 बचा था, 60,000 पर 10% बनता है 6,000. अब आप अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए ऑन 2014 टू बैंक. सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी 20,000 की रहेगी और प्लस इंटरेस्ट है आपका 6,000 का. टोटल आप पे करेंगे 26. 60 में से 20 पे कर दिया तो अब आपका बैलेंस रह गया 40,000.
So you will write here to balance carried down same date 31 March 2014 को आपको इतना बैलेंस रह गया है. 66 में से 26 पे कर दिया, 40,000 इज़ द बैलेंस. अब आप नीचे ले आइए, 1 April 2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ ₹40,000. अब आप फिर एक साल पूरा होने पे आप क्या देंगे इस पर, बाय इंटरेस्ट. अब आप इंटरेस्ट 40,000 पर आप 10% से अगर आप निकालते हैं तो इंटरेस्ट बन जाता है 4,000. तो इट मीन्स 31 March 2015 को आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे वो हो जाएगी 20,000 प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा 4,000, तो ये हो गया आपका 24. तो इट मीन्स 44 में से आपने 24,000 पे कर दिया तो अब आपका बैलेंस रह गया 20,000. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. टू बैलेंस कैरी डाउन ऑन 31 March 2015. फिर आप नीचे ले आइए, 1 April 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. अगेन यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 20,000 बैलेंस बाय इंटरेस्ट ऑन, आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन 20,000 पे अगेन यू विल टेक आउट 10%, 2,000 विल बी द इंटरेस्ट, टोटल 22,000 विल बी पेड टू द पार्टनर. अब आगे आपने लोन अकाउंट को कैरी नहीं करना है क्योंकि अब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे हो गई है. तो ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट में पे किया प्लस इंटरेस्ट. अब जो सेकंड केस कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स लेनी है आपने ऑफ ₹25,000 विच ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस and the balance including interest in the fourth year. Question in second case is saying that now आपको हर installment 25,000 की देनी है और 25,000 में ही आपका interest भी included है. तो let's start with the second case. Same आप लिखेंगे यहाँ पर 1 April 2012 आप by B's capital से लेकर आए हैं आप कितना 80,000. अब आप अगेन 31 March 2013 at the end of the 1 year by interest on age loan you will write here 80,000 per 10% जैसे हमने पिछले साल निकाला था 8. लेकिन अब आप जब पे करेंगे एक साल के एंड में 31 March 2013, अब हमें इंस्टॉलमेंट्स हमारी हर साल कितनी रहेगी 25,000 ही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है और 25,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है 25,000. तो आपने इसमें इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड. अगर आप क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है क्वेश्चन 3 इंस्टॉलमेंट्स 25,000 की इंस्टॉलमेंट 3 पे करनी है जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब अब आपने इस तरीके से करना है 88 में से आपने 25,000 पे कर दिया तो आपका बैलेंस बच गया 63,000. ठीक है बच्चे, आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस carried down on same date 31 March 2013. Again you will brought down to 1 April 2013 by balance brought down 63,000. Again you will calculate on this 63,000 interest. Again you will write here by interest on age loan 63,000 पर अगर आप 10% निकालते हैं तो आपका बैलेंस बचता है 6,300. 31 March 2014 को आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक, अगेन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ ₹25,000. अब आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन, इधर टोटल आ जाएगा 69,300 माइनस 25,000 अगर आप करते हैं तो आपका बैलेंस आ जाता है 44,300. यू विल राइट 31 March 2014. अब आप नीचे लेके आएंगे 1 April 2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 44,300. फिर आप इसमें फिर 31 March 2015 को आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन 44,300 पर 10% 4,430 आ जाएगा.
अब भी आपका वही इंस्टॉलमेंट दी जाएगी क्योंकि 3 साल तक हमें 25,000 देने को बोला गया है. सो यू विल राइट टू बैंक अगेन 25,000. फिर आप टू बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे 44,300 प्लस 4,430 ये आपका आ जाता है 48,730. 48,730 में से अगर आप 25,000 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 23,730. सेम डेट नीचे ले आइए, 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 23,730. पूरा साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2016. बाय इंटरेस्ट 23,730 पे आप 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,373. और अगर आप इसको टोटल करते हैं तो ये टोटल बैठता है 26,103. तो आप यहाँ पे कर देंगे टू बैंक 26,103. अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर में जितना बैलेंस बचता है वो सारा आपको पे कर देना है. ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है. तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, कोई बैलेंस बचा नहीं है. तो बेटा आज आपको लोन अकाउंट समझ में आ गया होगा. आप अपना ये चैप्टर आज और कल में कंप्लीट कर लीजिए. दैन अब आपकी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो लेक्चर मैं आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर का स्टार्ट कराऊंगी. थैंक यू सो मच.